क्या नाम है आपका? आफाक आलम खान उर्फ सैफ खान, पनीरा विधानसभा। पनीरा विधानसभा से ही आप लोग जी। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट होगा? यहाँ पर मुद्दा है जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, जो प्राइमरी स्कूलों में पहले ब्रेंच नहीं रहा करता था, डेस्क नहीं रहा करता था, अब दरी पे बच्चे पढ़ते थे, अब यहाँ पर प्राइमरी स्कूलों में ब्रेंच की व्यवस्था है, मिड डे मील की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो राशन के मुद्दे हैं, जो गरीब को अनाज मिल रहा है, अनाज की वजह से गांव की जनता जो है खुश है कि हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी दे रहे हैं, इसलिए गरीब जनता भारतीय जनता पार्टी को अच्छी निगाहों से देख रही कि हमको खाने के लिए अनाज दे रही है और जो तमाम रोजगार दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है। रोजगार देने के नाम पर ये हल्ला है, विपक्ष का भी हल्ला है। रोजगार तो सरकार ने दिया है, तमाम फैक्ट्रियों में दिया है, हर जगह दिया। यहाँ कोई फैक्ट्री लगी है? यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी है, लेकिन यहाँ पर रेलवे लाइन आई हुई है और बहुत जल्दी रेलवे लाइन का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें 600 करोड़ कुछ रुपया किसानों को दे दिया गया है। अब रेलवे लाइन महाराजगंज के चुनाव के बाद रेल की पटरी दौड़ेगी और यहाँ के नौजवान युवा बेरोजगार नौकरी पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो बेरोजगारी का मुद्दा लोग उठा रहे थे, वो भी मुद्दा फ्लॉप हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी सांसद यहाँ से पंकज चौधरी हैं जी, 6 बार के सांसद हैं जी। डेवलपमेंट के नाम पे क्या क्या चीजें हुई हैं यहाँ पे? पानी सांसद ही की हाँ, मैं यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद पंकज चौधरी जी ने 6 बार लगातार जो जीत हासिल किया है, उस जीत में हर बार कभी न कभी दूसरे दलों की सरकार रही, इसलिए विपक्ष में रहे वो। लेकिन इस बार जब 2 बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तो माननीय लोकसभा के प्रत्याशी माननीय पंकज चौधरी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको केंद्र में वित्त राज्य मंत्री का दर्जा दिया। दर्जा प्राप्त होते ही और क्या नाम है, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में क्या नाम है पोस्ट ऑफिस का कारखाना नहीं था, यहाँ के नौजवानों माइनॉरिटी के लोगों को और अन्य बिरादरी के लोगों को पासपोर्ट के लिए गोरखपुर लखनऊ का चक्कर लगाना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस का निर्माण महाराजगंज में हुआ, रेलवे बस स्टेशन का स्टेशन नहीं था महाराजगंज के अंदर, उसका निर्माण कराया सांसद जी ने, और क्या नाम है स्टेडियम नहीं था महाराजगंज के अंदर, स्टेडियम बनवाया महाराजगंज में सांसद जी ने। महाराजगंज में मतलब सड़कों की कोई जाल नहीं थी, सिर्फ एक जाल थी गोरखपुर से सनौली की, लेकिन आज पूरे जनपद में चारों तरफ जो भी मेन रोड है सब पहचान मानी सांसद जी ने अपने निधि से, और मतलब काम कराया है सांसद जी ने जी काम। चलिए ये तो जनता तय करेगी चारों की कितना काम कराया कितना कराया। और भी कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल अहम साहब। हम साहब क्या करते हैं आप? हम ग्राम प्रधान है। प्रधान है आप जी? बोले क्या उम्र वाले, कितनी उम्र है? 30 साल। 30 साल जनता ने चुन लिया प्रधान है जी, जी। काम वाम किया कुछ नहीं किया? काम किया। ये तो जनता बताएगी, करे प्रधान कोई अपने मुंह से थोड़ी ना कहेगा कि हमने बहुत किया है, जनता बताएगी ना। ये तो बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट होगा? साहब साहब ने बता दिया इतने काम गिनाए सांसद जी ने, काम कराए? बिल्कुल काम कराया। काम कराया पहले ये रोड पे हम लोग जाते थे भटहट, एक आध घंटा डेढ़ घंटा लग जाता था, लेकिन आज ये 10 से 15 मिनट में भटहट पहुँच जाते हैं। कितने किलोमीटर है यहाँ से भटहट? यहाँ से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। काम हुआ है? काम हुआ। तो क्या मन में है फिर इस बार? बीजेपी सर है? बीजेपी यहाँ से जी सर। बीजेपी क्यों? सांसद ने काम कराया इसलिए? देखिए अब बीजेपी सरकार पहले दंगा का तमाम होता था, हिंदू मुसलमान विवाद दंगे महाराजगंज में हुआ कभी? हाँ सर कई बार हुआ, लेकिन इसके पहले जब सरकार रहती तब, इस सरकार में 10 साल में नहीं हुआ, नहीं हुआ कभी, नहीं हुआ। तो यही एक वजह है, यही वजह सर। रोजगार मिला? रोजगार मिल रहा सर, जितना है रोजगार मिल रहा है। गाँव में अभी देखते शौचालय पे कुछ समूह के माध्यम से शौचालय पे, शौचालय रोजगार थोड़ी ना यार, हम रोजगार कह रहे हैं समुदाय शौचालय पे, उससे रोजगार मिलता है कहीं? सैलरी मिला भैया, एक एक समूह की महिलाओं को नियुक्त किया गया है, 6 रुपए दिया जा रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य सखी 6 रुपए दिया जा रहा है ना, ग्रामीण क्षेत्र में अगर 4 घंटे के लिए 6 रुपए दिया तो कम थोड़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में जो हो सका हो किया है। फिर समूह सखी बनाए हैं उसमें भी सैलरी दे रहे हैं, स्वास्थ्य सखी बनाए हैं उसमें भी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। आजीविका सखी बनाए उसमें भी सैलरी दे रहे हैं, युवाओं को भी दे रहे हैं, ठीक है, युवाओं को भी दे रहे हैं, कुछ मिल रहा है। अब इस सरकार राज जी ठीक ठीक बोलना देख ले, इस सरकार में मेरे ग्राम पंचायत में 2 लड़के आर्मी में, इसी केंद्र सरकार जो आई है उसमें 2 लड़के आर्मी में भर्ती हुए हमारे, अग्निवीर वाले में, अग्निवीर वाले में नहीं है, आर्मी में पहले वाले, ठीक है, अग्निवीर वाले नहीं, अभी अग्निवीर 2 साल में चालू हुए, उसके पहले उससे पहले हुए। चलिए रोजगार की बात करें, क्योंकि सांसद पंकज चौधरी हैं यहाँ पे, 6 बार के सांसद हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे जो सड़कें चाहे चौड़ी उसका चौड़ीकरण हो या फिर और हाईवेज की बात हो, एक
अच्छा प्रतिनिधि अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं उसका इलाके को फायदा होता है। और भी कुछ लोग हैं, एक बार बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नरसिंह। नरसिंह साहब क्या करते हैं आप? सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर हैं जी। रोजगार के लिए, परिवार चलाने के लिए क्या करते हैं? अपना खुद का बिजनेस करते हैं हम लोग। हाँ वो बताइए, क्या करते हैं? अपना यही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे काम धंधा है ठीक ठाक? अच्छा है। ठीक है जी। कितना बदला है पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ 10 साल? अगर 10 सालों को देखा जाए तो अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम आपको समझाना चाहें तो आंकड़े ना बताइए हमें, आंकड़े तो बहुत बहुत ऊपर बड़े बड़े नेता बताए, जो आपके लिए काम हुआ वो बताइए हमको। काम हुआ है वही बताइए। शिक्षा मिला हमको, अच्छा रोड अच्छे हैं हमारी, बिजली हमको पर्याप्त मिल रही है। अच्छा मिल रही है जी। पूरी आती थी? अरे भाई साहब, पूर्वोत्तर की सरकारों में बिजली हमको ऐसे मिलती थी 8 घंटा एक सप्ताह दिन में, तो 8 घंटा दूसरे सप्ताह में रात में, वो भी हमको सोने के बाद आती, जगने से पहले चली जाती थी। अच्छा। आज भाजपा की देन है कि हमको 18 से 22 घंटा बिजली हमको यहाँ मिलता है, मिलती है। रोजगार यहाँ पे मिला? क्यों नहीं मिला? क्या क्या मिला? बहुत रोजगार है यहाँ पे, बताइए तो। जो लोग अभी जो प्रधानमंत्री जी का जो ये छोटे लघु उद्योग जो लगाने के लिए आए, और प्रधानमंत्री जी ने स्किल्ड इंडिया के तहत में जिनको ठेला खेमचा करके वो लोगों को 10। प्रधानमंत्री स्किल इंडिया में आया ठेला खेमचा? अरे भाई उसमें रोजगार तो आया ना। लेकिन एक बात बताइए, एक गरीब आदमी है वो अपना ठेला लगाता है, सरकार का योगदान किस तरह हुआ, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। उसी को मैं बता रहा हूँ आपसे। कभी हमारे पास 10,000 रुपया लेने के लिए अपने को या किसी सामान को हम साहूकार के वहाँ कर्जा रखते, कोई गिरवी रखते थे, ठीक है, गिरवी के बदले वो हमको ब्याज भी लेते थे, फिर हमें 10,000-5,000 रुपया मिलता था, जिससे हम मूंगफली का व्यापार चाहे कुछ भी कुछ करना हम लोग चाहते थे, लेकिन वो हम वही कमा पाते जो उनका भर पाए। लेकिन इस समय प्रधानमंत्री जी का ये देना है कि जब हम लोग मुद्रा लोन लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं 10,000 तक का ले लेते हैं, तो हम उसको 0% 6 महीने में 0% भरेंगे और अपना जो भी दुकान लगाने का हम लोग लगा लेते हैं। ये फायदा हुआ है ना। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि भैया ठेली लगाना, कोई अभी फलूदे की दुकान लगाए हुए है, ठीक है, इसमें सरकार का योगदान क्या है? हो सकता है उसको लोन मिला, एक मिनट लोन मिला उसको सस्ती दर पे मिला, तब उसने ये रोजगार शुरू किया, वो माना जा सकता है, वो कहा जा सकता है कि रोजगार शुरू करने के लिए जो ब्याज पे जो सूदखोर होते थे बड़े बड़े, जो चक्रवर्ती ब्याज चलता रहता, उससे निजात मिल गई है।